गांधी के यूएस विजिट के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब पधारकर हमारी बात देश को पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ, जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की? पब्लिक डोमेन में, इंटरनेट पर ये जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के, श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि उसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी? जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में यह स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़े। तो जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर केंद्र सरकार काफी भड़क गया था। जी हां, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए थे, और वो भी अमेरिका में, जहां पर उन्होंने देश के बारे में गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, ऐसा बीजेपी का मानना है। अब फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के मूड में है, और अमेरिकी दौरे को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा सवाल पूछा है जो कि राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 28 जून को बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनसे सुनीता विश्वनाथ के बारे में, संबंध के बारे में पूछा। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यह भी पूछा
कि क्या वह बता सकते हैं कि सुनीता विश्वनाथ के भारत की सरकार को तोड़ने की साजिश रचने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ क्या संबंध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी यह बताना चाहेगी कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठे हुए हैं जो भारत के लोकतंत्र के प्रति अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। जाहिर तौर पर कि पिछले दिनों अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि वह नरेंद्र मोदी की सरकार को अगर गिरानी पड़े तो उसके लिए वे करोड़ों डॉलर खर्च कर सकते हैं। सुनीता विश्वनाथ हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक है जिसको अमेरिका में बाकी हिंदू समुदाय से काफ़ी विरोध करते हैं। इसके अलावा सुनीता विश्वनाथ आबाद अफगान वीमेन फॉरवर्ड नाम की एक एनजीओ की भी संस्थापक है। सुनीता विश्वनाथ 2020 में विवादों के घेरे में तब आई थी जब उसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में रिलीजियस लाइफ एडवाइजर बनाया गया था। इन सब के बाद ही सुनीता विश्वनाथ जॉर्ज सोरोस से अच्छे संबंध भी रखती हैं और उनके संगठन को कथित तौर पर वहीं से फंडिंग मिलती है। साथ ही विदेशों में रहने वाले और खास करके अमेरिका में रहने वाले हिंदू समुदाय उनके प्रति अच्छा धारणा नहीं रखते हैं और लगातार उन पर भारत विरोधी बातों को कहने के लिए भी आरोप लगते रहे हैं। अब ऐसे में जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी व्यवसायी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के बारे में काफ़ी गंभीर बयान दिया था कि वे आने वाले चुनावों में काफ़ी ज़्यादा खर्च करके नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सकते हैं। भारत की लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ कथित तौर पर षड्यंत्र रचने के आरोप में इस तरह के बातों को और इस तरह के व्यक्तियों को देखा जाता है जिनमें सुनीता विश्वनाथ का भी नाम शामिल है। अब राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है जिससे कि वह राहुल गांधी को घेर सकते हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी को लेकर हमला किया था और यह भी कहा था कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहे और साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार का इसके हर एक अंग पर दखल है। जाहिर तौर पर भाजपा इस मुद्दे को आगे भुनाना चाहती है और राहुल गांधी को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मुद्दे की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।